हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश से जो आपका बोर्ड एग्जाम है अनसीन पैसेज आता है, ये 15 नंबर का आता है। और आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज हल करना सिखाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी करने नहीं आ रहा है हल, तो आज की इस वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन करना सिखाएंगे। जो भी बच्चे अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियो पूरा देख लीजिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में आपको लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो में आपको यहां पे देख लीजिए आर्टिकल भी बताने जा रहे हैं, जो बी सेक्शन बी में आता है, ये 10 नंबर का आता है। और देख सकते हैं वोमेन सेफ्टी इन इंडिया काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार यही आएगा। इसके बाद ये देख रहे हैं ना, लेटर राइटिंग जो आपको आएगा 10 नंबर का, यानी कि इस वीडियो में आपका टोटल 35 नंबर, यहां पे देख रहे हैं ना, 15 नंबर, 10 नंबर और 10 नंबर वो, यानी कि 15 नंबर के बाद यहां से 10-10 नंबर उधर, यानी 35 नंबर सीधे इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो हम उम्मीद है कि वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है इस साल के लिए, 2024 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। देख सकते हैं पहले नंबर, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पैसे जो दिया है ना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। पूरा अच्छे से इसका अर्थ समझिए, तब इसको सोल्यूशन कैसे करना ये समझना है, ठीक है। अनसीन पैसेज ऐसे ही आता है, ठीक है। लिखा है कि मैंस लाइफ इज, यहाँ पे देखिए कि नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज, यहाँ पे लिव्ड, यहाँ पे कह रहा है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड। कह रहा है कि मनुष्यों के जीवन को उनके दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता है, ठीक है। बट बाई द डिड्स ही हैज डन एंड बाई द अचीवमेंट्स ही हैज मेड, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं और उन्होंने जो उपलब्धियाँ हासिल किया है, उसी से उसका जीवन को मापा जाता है, ठीक है। वाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, यानी कि वाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। कह रहा है कि उससे जीवन में वास्तविक महत्व क्या है, यानी कि उससे जो जीवन में हमें वास्तविक महत्व क्या है, यह मात्रा नहीं बल्कि अनुभव की गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस यानी गुणवत्ता को दर्शाता है, ये कह रहा है। इसके आगे देखिए, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड एवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्रेवियल, देखिए पैरास्यूट्स, यहाँ पे फुल स्टॉप है। देखिए इसके यहाँ से पढ़ रहे थे ना, कि शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड एवरीवल्स, कह रहा है इसमें कि महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ गतिविधियों में खर्च किए गए हैं, यानी कि ठीक है ना। अब 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्रिवियल प्रस्पिरूट, यानी कि 100 से अधिक के लंबे जीवन की तुलना में बहुत मूल्यवान है, ठीक है। अब यहां से आगे चलेंगे, वी लिव डिड्स नॉट इन ईयर्स, यानी कि हम वर्षों में काम नहीं करते हैं, हम वर्षों में काम नहीं करते हैं, नोबेल डिड्स स्पेंडिड आइडिया एंड फाइन सेंटीमेंट्स, यहाँ पे देखिए कंस्यूशन, द कंस्यूट है द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट, यहाँ से देखिए द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए, नोबल कर्म, शानदार विचार और बारीक भावनाएं वास्तव में चरित्र की वास्तविक महिमा का गठन करती है, ठीक है, न कि दुनिया में एक समय के, क्या समय के कारण है। तो ये हो जाएगा इसका पूरा अर्थ। अच्छे से इसको पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ जाएगा कि इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है और कैसे इसका आंसर लिखना है। कॉपी पे आपको लिख करके बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि पहला, कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों के जीवन कैसे मापा जाता है। दूसरा है कि विच इज मोर वैल्यू, ए शॉर्ट लाइफ आर ए लॉन्ग लाइफ, कौन सा अधिक मूल्य है, एक छोटा जीवन या लंबा जीवन। तीसरा है कि व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, यानी कि जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि क्या
चरित्र संदार बना, यानी कि बनाता है, जो चरित्र है क्या वो संदार लाइफ को बना देता है। पांचवा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, इस पैसेज में इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है ना, इसका अर्थ क्या होगा। व्हाट इज मेंट बाई नोबेल एंडेवर्स, यानी कि नोबेल प्रयास से क्या है। तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, वास्तव में और वास्तव में के बीच दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, इसी पैसेज में से इसका आंसर आपको लिखना सिखा देते हैं, वो भी अभी अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्नों के उत्तर एक एक लिख के बताते हैं, तब फास्ट चलेंगे, ठीक है। आंसर बता रहे हैं पहला नंबर का, पहले यहाँ पे आंसर लगा देते हैं हेडिंग, इसके बाद पहला नंबर का बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों के जीवन को कैसे मापा जाता है। तो इसका आंसर देखिए लिखेंगे कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज, ये है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड, लिखेंगे क्या लिखेंगे, मेजर्ड बाई हिज डीड, उनके कार्यों से, हिज डीड एंड उनके कार्यों और उनके कर्तव्यों से, यानी उपलब्धियों से, डीड एंड अचीवमेंट, अचीवमेंट, यानी कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड एंड अचीवमेंट, यानी कि मनुष्य का जीवन उनके कार्यों और उपलब्धियों से मापा जाता है। यानी कि जो मनुष्य का जीवन है ये उनके अपने जीवन में कितने कार्य किया है और उन्होंने कितने उपलब्धियां हासिल किया है, इसी के द्वारा किसी का भी जीवन मापा जाता है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं, क्या लिखा गया इसमें, दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं फास्टली, तब चलेंगे आगे। क्या लिखा है कि विच इज मोर वैल्यू, यानी वैल्यूएबल एंड शॉर्ट लाइफ आर लॉन्ग लाइफ, यानी कि कह रहा है कि कौन सा अधिक मूल्यवान है, यानी किसका ज़्यादा वैल्यू है, कीमत है, ए शॉर्ट लाइफ यानी एक छोटा सा जीवन आर ए लॉन्ग लाइफ या बड़ा सा जीवन का। तो इसका आंसर देखिए लिखेंगे क्या, चलिए लिखेंगे ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड to noble and every yours is far, लिखेंगे is far more value का यहाँ पे value value, ठीक है, valuable लिख देते हैं, वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लाइफ लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड व्यूअर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ, यानी कह रहा है कि नेक प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा ही जीवन लंबे जीवन की तुलना में काफी अधिक मूल्यवान होता है। तो इस तरीके से दूसरा का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और फास्ट नंबर से हम लोग तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको हम समझाते हैं, देखिए व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, इसको पहले लिख लेते हैं फिर आपको हम समझा देते हैं। देखिए इसमें तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपको पढ़ रहे थे कि व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसी में इस पैसेज का उत्तर है, देखिए मैं लिख दिया हूँ कि ताकि समझ आ सकूँ आसानी से, कि ए मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स इन हिज लाइफ, ऐसे लिखिएगा आप भी, इसमें बना करके अच्छे से लिख देंगे। देखिए इसी में इसका प्रश्न का उत्तर जितने भी है ना इसी में से लिखा गया है कि मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स इन हिज लाइफ, यानी मनुष्य को अपने जीवन में नेक कार्य करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि प्राथमिकता मतलब सबसे प्रथम स्थान इसका देना चाहिए। इसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 4 पढ़ रहे हैं कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, ठीक है,
तो इसमें चौथा नंबर कह रहा है कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, करे क्या चरित्र शानदार बनाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या लिखेंगे शानदार तरीके से, कि नोबल डीड्स, स्पेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। कह रहा है इसमें कि श्रेष्ठ कर्म, यानी कि देखिए नोबल डीड्स यानी श्रेष्ठ कर्म, स्पेंडिड आइडियाज श्रेष्ठ विचार एंड और फाइन सेंटीमेंट्स उत्तम शुभकामनाएं ही चरित्र को क्या करती है, असली महिमा प्रदान करती है, यानी महिमा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पांच नंबर पे चले आए हैं। देखिए लिखा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, इस पैसेज में इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होगा। इम्पोर्टेंस इसमें दिया है, आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा इम्पोर्टेंस इसमें लिखा था ना। देखिए बता रहे हैं कहाँ पे है, इधर ये भटक रहा था, बता रहे हैं एक सेकेंड, मतलब पूरा पैसेज जब पढ़ेंगे तो कह रहा है कि इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंस यानी त्याग कर दीजिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए, त्याग कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है इसमें कि महत्व तो क्या है वो तो बता देंगे इसमें, व्हाट इज मेंट बाई नोबल एंड अवेयर्स। दूसरा नंबर कह रहा है कि नोबेल प्रयास क्या है, यानी नोबेल से प्रयास क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे ग्रेट इफोर्ट यानी कि महान प्रयास, ग्रेट इफोर्ट से मतलब महान प्रयास। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडीड एंड, कह रहा है कि डिड, इनडीड और डिड दोनों में क्या अंतर है बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखिए, इनडीड मीन्स रियली, यानी इनडीड का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में, ठीक है। एंड डीड मीन्स वर्क, मतलब वास्तव में कर्म करना, कार्य करना, ठीक है। तो इसका मतलब इनडीड का मतलब वास्तव में, वास्तव डीड वर्क, यहाँ पे मतलब इसका मतलब कार्य करना। तो यही था आपका पैसेज, ऐसे ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो छाप दीजिएगा, 15 नंबर ले बैठेंगे आप आराम से। और आगे हम चलते हैं, आपको यहाँ पे आर्टिकल बता देते हैं, ये देख रहे हैं ना सेक्शन बी में, ये आएगा आपका 10 नंबर, ये भी ले बैठेंगे एग्जाम में। देखिए क्या लिखा है कि वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, और ये 100% इस बार देगा, क्योंकि देखिए हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। ये जो आर्टिकल है आप एकदम 100% तैयार करके जाइएगा। ये देखिए आपको बिना हेडिंग के लिखा जाता है, पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है, कैसे लिखना है अच्छे से समझिए हिंदी में अर्थ के साथ। वोमेन सेफ्टी इन इंडिया यानी कि भारत में महिला सुरक्षा, इस पर पक्का आएगा। इस बार लिखेंगे कि वोमेन इन इंडिया, भारत में महिला टुडे आज आर बिकमिंग द मोस्ट वैलिनिएबल सेक्शन एज फार एज दियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। देखिए यहाँ तक कह रहे कि भारत में महिला आज, यानी कि कह सकते हैं इसी को, जहाँ तक कि उनकी सुरक्षा की सवाल है कि भारत में महिला आज सबसे असुरक्षित वर्ग बनती जा रही है, ठीक है। वेन जब वी यहाँ पर वी है, वेन वी टर्न द पेज ऑफ ए न्यूज़पेपर, जब हम अखबार के पन्ने को उलटते हैं, पलटते हैं, वी आर पेंड, हमें दुख होता है, दुख देखकर होता है, कि वेन वी कम Across many headlines reporting cases of molestation of women in the four walls of house, violence, यहाँ पर देखिए violence against women in remote, यहाँ पर देखिए areas etc, यहाँ से we turn the page of a newspaper, कह रहा है जब हम अखबार के पन्ने को पलटते हैं तो we are pained, तो हमें दुख होता है। When we come, जब हम घरों की चारदीवारी में आंखें में, यानी कि चारदीवारी में आंखों में छेड़छाड़ और हिंसा के कई मामलों की खबरों को सुर्खियों में देखते हैं तो क्या होता है, दुख, यानी कि दूर दूर तक के इलाकों में महिलाओं के खिलाफ आदि महिलाएं सुरक्षित और असुरक्षित महसूस करती है, ठीक है। वोमेन फील अनसेफ, और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित एंड इनसिक्योर एंड फील द देयर फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड जियोपर्डिस,
कह रही है इसमें इस लाइन की, दूर दराज के इलाकों में महिलाओं के खिलाफ आदि, यानी कि महिलाएं सुरक्षित और असुरक्षित महसूस करती है और हमें महसूस करती है कि उनकी स्वतंत्रता और अस्वतंत्रता खत्म हो गई है, ये कह रहा है। इट इज अनवेरिएबल टू इमेजिन द पी लाइट ऑफ, यहाँ पे देखिए, वोमेन हु आर सफर्स ऑफ सच क्राइम अगेंस्ट देम, कह रहा है इसमें कि देखिए कि उनकी स्वतंत्रता और यानी कि उनकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता खत्म हो गई है, उन महिलाओं की दुर्दशा की कल्पना करना असंभव है। ठीक है, क्या है, असंभव है। इट इज गोल्ड ऑन कॉन्फिडेंस ऑफ द, यहाँ पे देखिए, ऑफ द वुमेन ऑफ सोसाइटी एंड ऑन आवर जुडिकल सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, करे उन महिलाओं की दुर्दशा की कल्पना करना असंभव है जो अपने खिलाफ ऐसे अपराधों से क्या है पीड़ित हैं, क्या है पीड़ित हैं, और यह केवल विश्वास पर आधारित है, इस तरीके से इसके बारे में बात किया गया है। चलिए देखिए यहाँ से, वी जनरली प्ले द ब्लेम गेम फॉर एनी सच इंसिडेंट्स एंड हेंस हैव नेवर सक्सेस इन रीचिंग द रूट केस्ट ऑफ दिस इशूज, करी समाज की महिलाओं और उनको, यानी समाज की जितनी भी महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको हमारी न्याय व्यवस्था पर, यानी क्या करना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए कि किसी भी घटना के लिए दोषारोपण का खेल खेलते हैं, मतलब किसी भी तरह के जो खेल है ये खेला जा रहा है हमारे देश में। एन इफेक्टिव, यहाँ पे देखिए, इम्प्लीमेंशन ऑफ लॉज, देखिए, प्रोटेक्निटी वुमेन्स राइट इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, कह रहा है इसमें कि देखिए, इसलिए इस समय के समाधान तक पहुँचने में कभी सफल नहीं हुई है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की प्रभावी कार्यवंती इस दशा में पहला कदम है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब दिशा में पहला कदम है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम लिखेंगे, देखिए, द लॉ शुड बी इंस्ट्रिगेंट एंड द प्रिपरेशनटर, यहाँ पे देखिए, सॉरी, पर प्रेक्टरेक्टर ऑफ, यहाँ पे देखिए, सच क्राइम शुड बी सर्वाइवली पनिश्ड, कह रहा है कि कानून खत्म होने चाहिए, कानून खत्म होने चाहिए और ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले को सामाजिक रूप से कड़ी सजा देनी चाहिए, पनिश्ड। वी आल्सो नीड टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट दिस इशू एंड, यहाँ पर देखो, ऑस्ट्रेक्सिज दोज हु कमिट सच क्राइम एंड नॉट द विक्टिम, कह रहा है इसमें, ध्यान समझिए कि हमें भी इन मुद्दों के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है और ऐसे अपराध करने वालों का बहिष्कार करना, पीड़ितों का नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वुमेन सोसाइटी पे अच्छे से याद करिएगा तो आप जाके छाप कराएंगे तो 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको सफल के तरफ ले चलते हैं, लेटर राइटिंग की तरफ, देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग जितने भी हम इसमें बताने चल रहे हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, लिखा रहेगा, ध्यान समझिएगा कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज द फुटबॉल मैच, कह रहा है, ध्यान समझिएगा, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को फुटबॉल मैच आयोजित करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। पत्र लिखने के लिए बारे में बताया गया है इसमें, यहाँ से पत्र लिखने का तरीका समझिए, ऐसे लिखिएगा तब जाके 10 नंबर मिलेगा। टू लिखेंगे, कमा लगाएं, टू मतलब होता है प्रति, किसी के प्रति भेज रहे हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल लिखा है ना, द प्रिंसिपल कमा रेवती इंटर कॉलेज कमा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे डेट डाला गया कि 7 जुलाई 2024 को, मान लीजिए कि आपका एग्जाम है या जो भी आप लिखे हैं 2023 लिखे हैं या 23 भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल रेवती इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रिंसिपल रेवती इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को हम उत्तर प्रदेश में जो ये कॉलेज है उसी को ये पत्र लिख रहे हैं, तारीख लिखा गया है 7 जुलाई 2024। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से सर लिखा है ना, सर आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा, सर लिखे कमा लगा दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लेटर में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, तो सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स,
यानी कि विषय इसमें लिखेंगे कि हम किस विषय में पत्र लिखे हैं कि सायंकालीन यानी खेलों की व्यवस्था हेतु अनुरोध है कि आप हमें क्या कीजिए, यहाँ पे इवनिंग का गेम की व्यवस्था कीजिए कि हमें मैदान चाहिए, फील्ड जहाँ पे हम लोग अच्छे से खेल सकें। चलिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी कि मैं अत्यंत सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ट्वेल्थ आर एगर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। मैं अत्यंत सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि 12वीं के अधिकांश छात्र फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए उत्सुक होते हैं। कि देयर इज नो यहाँ पे अरेंजमेंट इन द कॉलेज, यानी कह रहा है कि यहाँ कॉलेज में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आई देयर फोर, मैं कह रहा है कि मैं इसलिए, चाहे कहेंगे कि इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू योर, यानी कि इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभ्यास के लिए नियमित शाम के खेलों की व्यवस्था करें। अब यहाँ पर आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, यानी कि मैं अत्यधिक आभारी रहूँगा। तो ऐसे ही आपको लेटर लिखना है, ऐसे लिख देंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस बताए हैं मैंने, अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका 35 नंबर आ जाएगा। देखिए, अनसीन पैसेज तो कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन अनसीन पैसेज जो है ना ऐसे ही आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऐसे नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।